इट इज साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला हो रहा है पुणे में, जहां पे साउथ अफ्रीका ने 316 रन बना लिए अभी तक और 3 विकेटों के नुकसान पे। इट इज दी 48 ओवर दैट इज इन एक्शन राइट नाउ एंड वही है कि साउथ अफ्रीका ने फिर अपनी उसी तरह से बैटिंग शुरुआत कर दी है। पावर प्ले में 43 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पे और वहां से यहां तक पहुंचना, इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह एक्सेलरेट करते हैं। बट व्हाट इज न्यूजीलैंड डूइंग रॉन्ग? फील्डिंग कैसी हो रही है, बॉलिंग कैसी हो रही है, इसके हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस वक्त जारी है, क्लासीन इस वक्त क्रीज पर पहुंच चुके हैं। अब देखना है कि कैसे फिनिश करते हैं। और 316 रन, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। वेंडर डिसन की जानिब से ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की गई, लेकिन डी कॉक की जानिब से क्या ज़बरदस्त एक और इनिंग खेली गई, एक और सेंचुरी। इस वर्ल्ड कप की ज़बरदस्त फॉर्म है और जब भी वो एक सेंचुरी बनाते हैं तो मेरा एक ही सवाल होता है कि ये प्लेयर 30-31 साल की उम्र में कैसे वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये लास्ट वर्ल्ड कप एडिशन इनका वनडे का लास्ट होगा और उसके बाद ये वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह देंगे। तो ज़बरदस्त प्लेयर है, ज़बरदस्त फॉर्म है, बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ सकते हैं क्योंकि 4थी सेंचुरी बना ली है। तो मुशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं आप लोग? जी कुछ मिसिंग तो है, अभी मिसिंग खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन आप दिल से याद करें वो चीज़ पूरी हो जाएगी, आ जाएगी आपके पास। अच्छा जी, चलें फिर मैं दिल से याद करता हूँ थोड़ी देर में वो चीज़ आ जाएगी, बस आपको ज्वाइन कर लेती है। मगर जैसे क्विंटन डी कॉक की बात की उमैर ने, और जिस तरह वाकई मतलब आपको कभी कभार ये लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिकेट में कितना बड़ा नुकसान हो जाता है कोई एक प्लेयर जो कि आज अभी जैसे क्विंटन डी कॉक खेल रहे हैं, इट सीम्स लाइक कि मतलब इट्स लाइक हिज लास्ट इवेंट, so he is doing whatever he can do. I think he is enjoying his cricket. Yeah. उसको कोई प्रेशर नहीं है कि मैंने कब खेल मतलब अगला टूर मेरा होना है नहीं होना। ये चीज़ें हैं जो प्रेशर ऑफ करती हैं इंसान के शोल्डर के ऊपर से। आई थिंक सम पीपल एक्चुअली वांट टू लीव अ लेगेसी कि जी मैं बहुत अच्छा करके जाना है। कुछ कहते हैं ओके आई डन ऑल द आई टुक ऑल द प्रेशर इन माय लाइफ, सो दिस वर्ल्ड कप आई एम जस्ट गोना गो एंड एंजॉय माय सेल्फ, एंड आई थिंक ही इज डूइंग इट। और उसके रिजल्ट्स खुद ही बोल रहे हैं आपके सामने। ठीक, डिफरेंस कदा कलामी के माज़ डिफरेंस ये हो सकता है, एक तो प्लेयर जिसको लेगेसी का होता है कि मैं क्या लेगेसी छोड़कर जाऊंगा, उसके ऊपर प्रेशर एक और होता है क्योंकि उसने क्रिकेट ख़त्म कर रहा है अपनी, वहाँ पर क्रिकेट उसने पूरी खेल ली है। डी कॉक की क्रिकेट उसको पता है बहुत है, लेकिन वो इस वजह से नहीं जा रहा। वो जाने के रीज़न्स आप सब जानते हैं कि कुछ और हैं रीज़न्स, तो शायद ये भी रीज़न हो सकती है। वो बताएं कौन सी रीज़न है जो आप समझते हैं? लीग क्रिकेट, शॉर्टर फॉर्मेट। आई थिंक नहीं, समटाइम ये उनके कल्चर में ये होता है कि आई थिंक फैमिली लाइफ को सामने रखते हैं। समटाइम हम अज्यूम करते हैं लोगों के कि हो सकता है ही इज़ मैरिड, ही इज़ गॉट किड्स, एंड ये हमारी तरह नहीं होता कि एंड तक जाते हैं। ये सही कई दफ़ा अपनी फैमिली के लिए बहुत सैक्रीफाइस करते हैं बिकॉज दे थिंक यू नो दे हैव टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली किड्स। बट इन हिज केस मे बी यू आर राइट, मे बी यू नो लाइक ये लीग्स का सोच रहे हैं कि मैं लीग्स में ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर सकूँगा, ज़्यादा पैसा कमा सकूँगा, मेरा टेन्योर में भी 2-3-4 साल रह गया तो मैं सारी एनर्जी अपनी लीग्स में लगा लूँ ताकि मैं अपने अच्छा पैसा कमा सकूँ। ये भी हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट ये पॉलिसी एक बंदे को हमारे इंटरनेशनली बनानी चाहिए वैसे, कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ता है और ही कैन यू नो लाइक प्ले फॉर हिज कंट्री, आई थिंक उसके बावजूद उसको नेक्स्ट 3 से 4 साल सिर्फ 2 लीगों की इजाज़त होनी चाहिए। उसकी वजह पता है कि 2 लीगों का मतलब है कि देन ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेंड टाइम वेयर एवर ही वांट्स। सो जब ये सामने नजर होएगा तो फिर वो अपने मुल्क का जरूर सोचेगा अगर ये केस है। एक और एग्जांपल याद आ गई साथ ही, बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया अपना न्यूजीलैंड का जस्ट बिकॉज ऑफ के वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे तो ये जो रूल आपने जिसकी बात की है वो अप्लाई हो जाएगा उन पर, ताकि वो फ्रीली अपनी लीग्स खेल सकें। और जब बोर्ड को ज़रूरत पड़ती है बोर्ड उन्हें बुला लेता है। बोर्ड ने भी पीछे नहीं छोड़ा, बोल्ट ने जो बोर्ड है उनका न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, उसने भी अपना पीछा नहीं छुड़ाया कि भाई तुम्हारी तो प्रायोरिटी लीग्स है, नेशनल इंटरेस्ट है ही नहीं तुम्हारा। हमारे यहाँ कुछ और होता है, हमने देखी माजी में इसकी एग्जांपल्स, और यहाँ पर बोर्ड ने भी मेच्योरिटी दिखाई, अपना बताया कि बड़े का किरदार क्या होता है। बोल्ट ने भी ये डिसीजन लिया, इसको कैसे समझते हैं? बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया? He said कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना, आई डोंट वांट टू बी बाउंड विद द न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, एंड कि मैं अपनी चॉइसेस पे लीग खेल सकूं, एंड व्हेन टीम वुड नीड मी दे विल जस्ट कॉल मी एंड आई विल शो माय अवेलेबिलिटी। आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रेंड आप गलत सेट कर रहे हो नए लड़कों के लिए, ठीक है? उनके कल्चर में ये चलता है बिकॉज दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे नो कि जी मैं जाऊँगा तो मैं पूरा 200% दूंगा। यहाँ पे फिर उनके सिस्टम में न्यूजीलैंड के क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पे ऑप्शंस इनके पास बहुत कम होते हैं, लिमिटेड है। यहाँ पे ये होगा कि एक साल दो साल बाद आपको पता चलेगा मेरी फॉर्म नहीं लगी हुई, मेरी सिलेक्ट। वेस्ट इंडीज़ में क्या हुआ पता है आपको? वेस्ट इंडीज़ के 70% लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते साइन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के साथ, बिकॉज दे कैन प्ले एंड दे कैन प्ले लीग क्रिकेट, एनी लीग। This is not a good sign actually for cricket, international cricket के लिए। I think ICC सारे क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठे और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले, जहाँ पे प्लेयरों के पास ये एक ऑप्शन होनी चाहिए कि योर कंट्री इज फर्स्ट एंड देन द लीग्स। आई नो एज ए स्पोर्ट्समैन आपके पास पैसा चाहिए, आपको आपका कैरियर बहुत छोटा होता है, इसके बावजूद हैविंग सेड दैट आपकी देखें क्रिकेटर्स, कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के जो इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं इतना रिगार्ड करते, वो अपनी लीगों को रिगार्ड करते हैं। आप लीगों से पैसा तो जरूर कमा सकते हैं, पर नाम हमेशा अपने मुल्क से खेलते हुए बनता है, ये पक्की लिखी बात है। बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो हमारी शुरू हो गई है। और वाकई मतलब जब आईसीसी के आप रोल की बात करते हैं मुशी भाई, क्या हम अगले आने वाले 10 साल में, मैं 10 साल एक लंबा टाइम स्पैन वो कर रही हूँ, डू वी थिंक कि हमें सिर्फ वर्ल्ड इवेंट्स दिखेंगे सिर्फ क्रिकेट में भी, जस्ट लाइक फुटबॉल? बिकॉज फुटबॉल भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह इवॉल्व हुआ एंड देन क्लब्स की ज़्यादा वैल्यू हो गई एंड ये लीग ज़्यादा शुरू हो गई इन कंपैरिजन टू बायलैटरल्स। क्या बायलैटरल्स हमें कम होते हुए दिखेंगे? आई कैन सी दैट, टू बी ऑनेस्ट आई कैन डेफिनेटली सी दैट। पर क्योंकि आईसीसी को इसमें फ़ायदा नहीं है, जो अगर इंडिविजुअल लीग्स हो जाएंगी ना, उनको सिर्फ ये फ़ायदा है कि लीग से आपको जो वो एनओसी चाहिए होती है ना, उसका वो आपको परसेंटेज कोई पैसा दे सकते हैं। बट ये जो वर्ल्ड कप होता है, 2020 का कप होता है, जितने पैसे ये कमा सकते हैं इससे पैसा, इस गेम क्योंकि पैसों की आ गई है, तो आई थिंक पैसों की गेम जब आती है तो फिर आप ये नहीं देखते कि हमारे सिस्टम कैसे चलेंगे। मेरा ख्याल क्रिकेट में अभी नेक्स्ट 5 to 6 years दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन 50 ओवर इन 2020 एंड सेम टाइम देखें इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में अभी भी टेस्ट मैचेस की जो वैल्यू है ना, वो खत्म नहीं हो, बिल्कुल नहीं, उनका पूरे पैक होते हैं स्टेडियम, इवन एशेज में, इवन इंडिया इंग्लैंड का मैच हो, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हो, इंडिया में भी तकरीबन आपको टेस्ट मैचों में काफी क्राउड मिल जाता है, इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया अभी सीरीज, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट का भी सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। सो आई थिंक ये आईसीसी को जरूर देखना चाहिए कि प्लेयरों को, जो लोकल क्रिकेट बोर्ड हैं उनके मुताबिक, मुझे लगता है कि ये, अब देखें जी प्राइज मिल गया हमें, जो आपने दिल से पुकारा। मैंने जो दिल से पुकारा, 10 मिनट का आपने कहा था, जी 2 मिनट भी नहीं लगे, वो आपको महसूस हुआ, हमने दिल से प्यार के लाला बात कर रहे थे। डिकॉक की 4th सेंचुरी उसने इस वर्ल्ड कप की बना ली, और क्या ज़बरदस्त फॉर्म है, और इस लड़के ने 31 साल की अभी एज है, वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लास्ट वर्ल्ड कप खेल, दिस इज द लास्ट इवेंट दैट क्विंटन डी कॉक। शायद पता क्या बात हो रही थी, बात ये हो रही है कि व्हाट डू यू थिंक, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होनी चाहिए। वैसे तो ये एंकर्स का काम है, बट आई ट्राई टू बी एंकर नाउ हियर। हमारे पेट पे लात मारने वाले हैं ये जल्द। ये बताएं ट्रेनिंग लेते नहीं है, डीकॉक है ये, अब ही इज इन प्राइम फॉर्म ऑफ लाइफ, ये आखिरी वर्ल्ड कप है और इंटरनेशनल 50 ओवर छोड़ रहा है। डू यू थिंक सो इट्स जस्टिफाई फॉर द कंट्री साउथ अफ्रीका के ऐसे प्लेयर छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द लीग्स? ऐसा कोई आईसीसी को या लोगों को लीग में कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे असूल बनाने चाहिए जिसके प्लेयर ऑप्शंस खत्म हो जाए। मुश्फिक डीकॉक उस वक्त ज्यादती करेगा साउथ अफ्रीका के साथ कि अगर इसकी जगह कोई प्लेयर बैठा हुआ है, ठीक है, फिर तो ठीक है, ये समझता है कि मैं चला जाऊँ, हाँ मैं चला जाऊँ, लेकिन अगर कोई पीछे प्लेयर नहीं, श्रीलंका की टीम क्यों खराब हुई, जब महेला, संगाकारा, ये लोग चले गए, ठीक है, क्या इन्होंने पीछे कोई ऐसे प्लेयर छोड़े जो श्रीलंका का नाम जिंदा रखे क्रिकेट हिस्ट्री की दुनिया में? तो ये ज्यादती करेंगे, डीकॉक ज्यादती करेगा जब तक कोई प्लेयर पीछे हो ना जो इसकी रिप्लेसमेंट हो। मैं इस तरह देखता हूँ। अब ये भी पॉइंट ऑफ व्यू शायद का ठीक है कि अगर रिप्लेसमेंट है, अगर रिप्लेसमेंट, अगर शायद देखें ना ये ट्रेंड सेट हो जाता है जी मुश्किल कि अगर आप कोई भी लीगों के चक्कर में आप अपना इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कहते हैं, डोंट यू थिंक सो को आईसीसी को या कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इनको कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए कि यंगस्टर आते 2-3 साल के बाद, हमारे केस में लेट मी टेल यू कितने लोग हैं इंटरनेशनली जिन्होंने ये रिटायरमेंट ली है बिकॉज ऑफ रेड बॉल क्रिकेट, कि जी हम ऑब्वियसली अपना अपना बंदा सेल्फिशली सोचता तो है, ये होना चाहिए कि नहीं होना? मुश्किल ये बढ़ेगा ये चीज़, लोग लीग क्रिकेट की वजह से अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतना ज़्यादा, आप खासतौर पे फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि टेस्ट क्रिकेट को साइड पे करके वाइट बॉल क्रिकेट में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन डीकॉक रिटायरमेंट वनडे से ले रहा है, T20 से नहीं ले रहा, T20 और टेस्ट से नहीं ले रहा, ठीक है, मुशी भाई, क्रिकेटर्स का ये है कि जब तक वो इन्जॉय नहीं करेंगे क्रिकेट, वो या टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि गोरों का ये है कि उनकी फैमिलीज को भी टाइम देते हैं, वो बहुत ज़्यादा रखते हैं ना, यू नो। तो आई मीन के अगर वो टेस्ट खेलता है और T20 खेलता है, इसका मतलब है वो सर्विसेज उसकी अभी भी अवेलेबल है उसके अपने मुल्क के लिए। तो ये उसका अपना डिसीजन। अगर आप क्रिकेटर नहीं इंजॉय कर रहा है, जबरदस्ती खेले जा रहा है, फिर व्हाट्स द पॉइंट, फिर उसकी आपकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका बोर्ड की, इंग्लैंड बोर्ड की, इंग्लैंड में बेन स्टोक्स ने वनडे छोड़ा, इस वर्ल्ड कप के लिए वापस आया, साउथ अफ्रीका में डिकॉक छोड़ा है, पाकिस्तान में जब ऐसा कोई प्लेयर बात करता है कि मैं टेस्ट से थोड़ा थक गया हूँ, कोई ऐसे इस तरह का कोई सवाल उठाता है या कहता है मुझे थोड़ा आराम चाहिए, हम बहुत सारी और बातें करते हैं। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज का केस हमारे सामने, जिन्होंने कहा कि हमने टेस्ट नहीं खेलना और टेस्ट खेलने से वो हटे कि हम शॉर्टर फॉर्मेट खेलेंगे, हमारी बॉडी अब टेस्ट खेलने की इजाज़त नहीं देती। तो हमने फिर क्या किया उनके साथ? सवेरा, इसका बेस्ट ये है ना कि जी आप पीछे लाइनें लगा दें प्लेयरों की, आप इतना इतना मवाद जमा कर लें कि जो मैं A टीम की, पाकिस्तान की A टीम की बात करता था, इतना पीछे जमा हो जाए कि सिलेक्शन कमेटी को प्रॉब्लम भी ना हो। हाँ भाई, जिसने खेलनी है खेले पूरी तरीके से और चला जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम हर मैच, हर टूर, हर टीम के खिलाफ अपने उसी स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, हार से डरने के लिए। मुशी भाई, अगर आप किसी A टीम के साथ खेल रहे, जो आती है, पिछले टाइम में भी आई है, पाकिस्तान के अंदर A टीम में आई है, आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हो, बिल्कुल सही बात। आप बिठाओ 4-5 लड़कों को, रेस्ट दो ताकि उनको रेस्ट भी मिले और वो फिर क्रिकेट को छोड़ने की बातें ना करें कि हम बहुत खेल लिए, हमने तो रेस्ट भी मिल जाएगा और वो लड़के खेलेंगे भी क्रिकेट। बात यह कि आप इतने प्लेयर्स लाके खड़े कर दो, 15, 20, 25, 30 लड़के, कि भैया हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, शाहीन खेले ना खेले, कोई मसले, बाबर हो या ना, कोई मसला नहीं, हमारे पीछे अवेलेबल है। क्वेश्चन एक तो हारने का डर, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन आप लोगों से भी है, तीनों से भी। फिर शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर, जिस तरह बोल्ट है न्यूजीलैंड का, इसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, उसका जब मेरी जरूरत हो तो बुला लेना। कितने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के प्लेयर हैं वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। ठीक है, जिस तरह PCB ने अच्छा हैंडसम अमाउंट दिया हुआ, तो इसमें कई लड़के कह सकते हैं जी हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, जब आपको मेरी ज़रूरत हो। क्या ये होना चाहिए, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन जी मुशी भाई। क्या हमारे कल्चर, हमारे प्लेयर्स में यहाँ पे ये चीज़ सूट करती? हम कोई नई चीज़ करते हुए ना डरते हैं, पहले हम चाहते हैं कि दूसरा करे, क्या रिजल्ट आता फिर हम करेंगे। हम आउट ऑफ द बॉक्स, हमारा बोर्ड नहीं सोचता कि भाई हम क्यों ना करें कोई नई चीज़ जिसे हमारी वजह से दूसरा फॉलो करे। हम भी तो एग्जाम्पल बना सकते हैं ना, हर चीज़ पॉसिबल है मुशी भाई। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन क्रिकेट बोर्ड एंड प्लेयर।